हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण में महौरी भाग में स्थित है। ईंटों से बनी दुनिया की यह सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर 237 पॉइंट। कुतुब मीनार का आधार का व्यास 14.3 मीटर है जो शिखर पर जाकर मात्र 2.75 मीटर रह जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू कर पाया था। वह केवल पहली मंजिल ही बना सका था। इसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिल का निर्माण कराया। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह ने 5वीं और आखिरी मंजिल बन पाई। सन 1505 में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तब सिकंदर लोधी द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का प्रयोग पास बनी मस्जिद की मीनार के रूप में होता था और जहां से अनाज दी जाती थी, लेकिन यदि कोई कुतुब मीनार के बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाए तो भी उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से ही कोई सुन पाएगा। कुतुब मीनार लाल और हल्के पीले पत्थर से बनाई गई है। इस पर कुरान की आयतें लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि इस मीनार के निर्माण में जो पत्थर तथा अन्य सामग्री उपयोग किए गए थे वह 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन मीनार पर केवल ऐसा लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिर तोड़े थे, उसने मीनार बनवाई थी ऐसा नहीं लिखा। मीनार के पास ही 4वीं शताब्दी से बना लौह स्तंभ है जिसे गुप्त वंश के चंद्र द्वितीय द्वारा विष्णु ध्वज के रूप में विष्णुपद पहाड़ी पर निर्मित किया गया था। अब आपको कुतुब मीनार को लेकर हिंदू पक्ष के दावे के बारे में बताने जा रही हैं। हिंदू पक्ष के अनुसार ब्राह्मीर जो सम्राट चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य 9 रत्नों में से एक है और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इस मीनार का निर्माण कराया था। इसका वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है। ब्राह्मीर मीनार यानी स्तंभ के चारों ओर नक्षत्रों के ध्वज के लिए 27 कलापूर्ण परिस्थितियों का निर्माण कराया गया था। इस परिस्थिति पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। इन्हीं 27 परिस्थितियों को तोड़कर कुतुब मीनार पर लिख दिया गया कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिरों को तोड़ा। मीनार चारों ओर के निर्माण का ही भाग लगता है, अलग से बनवाया हुआ नहीं लगता। इसमें मूल रूप से 7 मंजिलें थी। 7वीं मंजिल पर ब्रह्मा जी के हाथ में वेद ली हुई मूर्ति थी जो तोड़ दी गई थी। 6वीं मंजिल पर विष्णु जी की मूर्ति के साथ साथ कुछ निर्माण किए गए थे जो हटा दिए गए होंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत इसके पास में ही खड़ा लौह स्तंभ है जिस पर ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है कि गरुड़ ध्वज सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से 1414 ईस्वी द्वारा पद स्थापित किया गया है। जिस महान सम्राट के दरबार में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, खगोल शास्त्री एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ वारा मिहिर हुए, ऐसे राजा के राज्यकाल में लौह स्तंभ का स्थापित हुआ तो क्या जंगल में अकेला स्तंभ बना होगा? निश्चय ही आसपास अन्य निर्माण हुए होंगे।